everyone, welcome to my YouTube channel, the corner of medical lecture. So today on this video I'm going to discuss about the leukemia. On this video I will shortly discuss about the introduction of leukemia, about the types of leukemia, about the clinical manifestation and also the causes and also the treatment of leukemia. Okay, so before starting I want to say please subscribe my channel and start watching the video. Okay, so here you all can see that Leukemia, what is its own type of blood cancer? Okay, so हमारा जो body में blood present होता है उसका composition different types होता है, such as blood में blood cell present होता है, WBC, RBC, platelet, etc. Okay, so जब blood cell फॉर्म बॉडी से ठीक ठाक ब्लड सेल फॉर्म नहीं होता और ब्लड सेल जब अनहेल्दी हो जाता है तब जो कैंसर होता है उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया. सो हमारा बॉडी में जो बोन मैरो है, बोन मैरो में बेसिकली बोन मैरो का जो मेन फंक्शन है हमारा ब्लड सेल फॉर्म करना, न्यू ब्लड सेल फॉर्म करना. तो बोन मैरो जब अनहेल्दी सेल फॉर्मिंग स्टार्ट कर देता है तब क्या होता है, हमारा बॉडी में ब्लड कैंसर एटसेट्रा अदर्स डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज क्रिएट होता है. वन टाइप ऑफ इज ल्यूकेमिया इज ऑल्सो फॉर द कॉजेज ऑफ अनहेल्दी बोन मैरो फॉर्मिंग सेल ऑफ एबनॉर्मल WBC. ओके, सो ल्यूकेमिया इज कैंसर ऑफ ब्लड सेल. ब्लड सेल जो प्रेजेंट होता है उसका कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया. बोन मैरो स्टार्ट टू फॉर्म ए लॉट ऑफ एबनॉर्मल WBC. सो हियर यू ऑल कैन सी दैट एबनॉर्मल WBC बोन मैरो ए स्पॉन्जी टिश्यू सेल जो कि ना हमारा बॉडी में न्यू ब्लड फॉर्म किया करता है. तो तब बोन मैरो जब एबनॉर्मल WBC मेकिंग स्टार्ट कर देता है तब जो कैंसर हो जाता है उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया. ओके, सो इट मे बी एज अ ल्यूकेमिया है. ल्यूकेमिया इज वन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है. तो ल्यूकेमिया के एक्यूट एंड क्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ल्यूकेमिया को मेनली 4 डिविजन में डिवाइड करें. ओके, हम लोग ल्यूकेमिया के 4 टाइप्स पाबो. वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया. हियर यू ऑल कैन सी दैट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया. ओके, सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया मेनली इट्स ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्डहुड कैंसर. इट्स मेनली बेसिकली ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है ये बेसिकली चाइल्डहुड से ज़्यादा क्रिएट होता है और फॉर्म होता है. चाइल्ड के एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बहुत ज़्यादा होता है. ओके, सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्डहुड कैंसर. ओके, नाउ एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया. एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया जो है ये एडल्ट चाइल्डहुड एटसेट्रा पीपल्स के भी होता है. क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो क्रॉनिक लिम्फोसाइट ये भी एडल्ट एंड चाइल्ड बोथ से होता है. एंड क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया जो क्रॉनिक माइलोजेनस जो ल्यूकेमिया है वो एडल्ट ओल्डर पर्सन के बॉडी में ज़्यादा होता है. क्यों कि ओल्डर पर्सन क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया इज कॉल्ड ऑल्सो द एल्डरली कैंसर. देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज कॉल्ड द चाइल्डहुड कैंसर एंड द क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया इज कॉल्ड द लिम्फ एल्डरली कैंसर. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक. ओके, सो एक्यूट एंड क्रॉनिक मीन्स सम ल्यूकेमिया. एक्यूट ल्यूकेमिया मीन्स इट्स स्प्रेड वेरी इजिली थ्रू इजिली एंड फास्टली. एंड क्रॉनिक मीन्स इट स्प्रेड स्लोली बट स्प्रेड, इट्स ऑल्सो स्प्रेड वेरी इजिली बट स्लोली. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया. सो नाउ द कॉजेस. We already see that the in definition of leukemia that main causes क्या है, जो leukemia के main causes है जो bone marrow जो present होता है हमारा body में वो bone marrow की जब start कर देता है abnormal WBC forming करना तब हमारा body में जो blood cancer होता है उसको बोलता है हम leukemia. तो
अनहेल्दी फॉर्मिंग ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है अनहेल्दी फॉर्मिंग ब्लड सेल फॉर्मिंग स्टार्ट कर देता है। फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल WBC, एबनॉर्मल WBC जब स्टार्ट फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाता है तब हमारा बॉडी में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली के कोई भी किसी भी पर्सन को इन पास्ट किसी भी पर्सन को ल्यूकेमिया हुआ था तो उससे ससेप्टेबल जीन से नेक्स्ट जेनरेशन को भी ल्यूकेमिया हो सकता। रेडिएशन और केमोथेरेपी, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड केमोथेरेपी? इफ ए कैंसर पेशेंट इज गिवन डेली रेडिएशन एंड केमोथेरेपी देन इन रेडिएशन यू नो दैट इन रेडिएशन रेडिएशन जो होता है रेडिएशन में बहुत ज़्यादा हाई डोजेस का एक्सरे यूज करता है, केमोथेरेपी में हाई डोजेस ड्रग यूज करा जाता है तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है हमारा जो बोन मैरो हो बोन मैरो में जो स्टेम सेल प्रेजेंट होता है स्टेम सेल को पूरा पूरी डैमेज कर देता है, स्टेम सेल न्यू ब्लड फॉर्म नहीं करता। देन हमारा बॉडी में न्यू ब्लड फॉर्म नहीं होता। सो रेडिएशन एंड केमोथेरेपी डैमेज द बोन मैरो एंड ऑल्सो द प्रेजेंट ऑफ बोन मैरो के बीच में जो प्रेजेंट होता है स्टेम सेल उसको भी डैमेज कर देता है तब हमारा बॉडी में ल्यूकेमिया क्रिएट होता है। ओके सो नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। व्हाट्स द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया के जो ब्लड लॉस होता है फैटिक वीकनेस एंड फीवर, फैटिकनेस वीकनेस एंड फीवर ऑल्सो फीवर जो कि ना सब डिजीज का कॉमन सिम्टम्स है एंड ऑल्सो वोमिटिंग इन्फेक्शन एंड पेन। इन्फेक्शन मीन्स यार जब हमारा ब्लड प्योर ना हो ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो कुछ डिजीज प्रेजेंट होता है ब्लड कैंसर होता है तब हमारा जो स्किन होता है स्किन में बहुत सारा रैश अदर्स इन्फेक्शन टाइप्स थिंग्स क्रिएट होता है तो तब इन्फेक्शन भी क्रिएट होता है हमारा बॉडी में। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीन बेसिकली व्हेन हमारा बॉडी में ब्लड लॉस होता है ब्लड फॉर्मिंग नहीं होता सो ब्लड के थ्रू हमारा बॉडी में ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज करता है तब हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट हो जाता है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स है उसका स्वॉलन हो जाता है। ओके और बहुत ज़्यादा सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होता है। एंड नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज ऑल टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इज ब्लड कैंसर। सो ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट केमोथेरेपी करके ल्यूकेमिया ट्रीट किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टेम सेल थेरेपी मीन्स व्हाइल रेडिएशन और केमोथेरेपी किया जाता है तब हमारा बोन मैरो में जो स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल है एमन वो सेल जो कि ना खुद डिवाइड होकर न्यू एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल फॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है तो वो जो स्टेम सेल जब डैमेज हो जाता है वीक हो जाता है तब स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू हमारा बॉडी में स्टेम सेल को वीक किया जाता है स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ओके बायोलॉजिकल थेरेपी, इट्स ऑल द थेरेपी दैट बाय थ्रू ल्यूकेमिया और एनी टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इज ट्रीटेड। सो इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक फ्रॉम ल्यूकेमिया, ल्यूकेमियास टाइप्स, ल्यूकेमियास कॉजेज, ल्यूकेमियास क्लासिफिकेशंस एंड द ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ओके सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।